नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों एवं बड़ों को सादर प्रणाम। आज हम राइटिंग, पेंटिंग, स्केचिंग, चित्रकारी एक दिन में सीखें मैं लेकर आए हैं आपके लिए अल्फाबेट। अंग्रेजी में ए बी सी डी, जिस तरह से हम स्वर व्यंजन सीखते हैं उसी तरह से इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए हमें अल्फ़ाबेट का ज़रूरत पड़ता है। कोशिश करता हूँ मैं आपको पेंटिंग के माध्यम से अक्षर एवं उसका चित्र बनाकर बताऊँगा, जिससे आप पेंटिंग बनाना, चित्रकारी बनाना सीख सकें। यह दोनों लाकर के बीच में हम लिख रहे हैं, छोटा एवं बड़ा, स्मॉल लेटर एवं कैपिटल लेटर एवं स्मॉल लेटर, ये दोनों कापियों के बीच में लिखा जाता है। कोशिश करेंगे अगर तो हम चार लाइन की कापी में छोटा लेटर को या बड़ा वाला को लिखते हैं, इंग्लिश लिखने के लिए स्पेशल आता है, या ए का हम शेप बना रहे हैं इस तरह से त्रिभुज के जैसा ही रहेगा और साथ में इस तरह से ये जुड़ जाएगा। हम दो लाकर के बीच में बना रहे हैं, हम बिना लाकर मारे ही बना रहे हैं, आप लाकर मार के करेंगे। यही ऐसे अब ए अक्षर तैयार हो चुका है, ए से एप्पल हम बना रहे हैं। बहुत ही सिंपल और सरल तरीका से हम आपको बता रहे हैं यह एप्पल का डंडी और यह उसमें कुछ शेडिंग कर देते हैं। एक कटा हुआ एप्पल भी हम रख देते हैं, जो अंदर का भाग दिखता है किस तरह से दिखेगा उसको भी हम प्रदर्शित कर देते हैं और धीरे धीरे ही बनाएंगे। अब सिस पेंसिल का उपयोग करेंगे। स्केचिंग के लिए पेंसिल बहुत ही अच्छा तरीका है उससे स्केचिंग करने का। अगर आप लीड पेन वगैरह से करेंगे तो स्केचिंग कभी हम शेप अनशेप बना देते हैं तो उसको मिटा नहीं सकते हैं। यह हम कलर कर रहे हैं, यह हमारे ऐसे एप्पल तैयार हो चुका है और यह हम कलर करना चालू कर रहे हैं ए अक्षर को, ए फॉर एप्पल। धीरे धीरे ही करेंगे, स्केचिंग के अंदर में ही करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम जो कलर है अपना उसको ना ज़्यादा पतला लेंगे और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, मीडियम साइज का ही रखेंगे। धीरे धीरे ही बनाएंगे। ये हमारे ए से एप्पल ए अक्षर तैयार हो चुका है और हम एप्पल भी बनाएंगे। पहले हम लाल का शेडिंग, हल्का सा लाल का उपयोग कर ले रहे हैं और आप भी इसी तरह से उपयोग कर लें अपने ड्राइंग शीट में ही। हल्का हल्का ही करेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं, गाढ़ा भी नहीं, और जहाँ जहाँ उसका जो कवर है बाहरी कवर को ही हम कर रहे हैं। इसमें हम येलो से थोड़ा सा शेडिंग करेंगे, इससे इसकी ओरिजिनलिटी थोड़ा अलग लगे और कुछ कलर मिक्स हो के आपका रेड कलर से मिक्सिंग खाए। हम ऊपर का हरा कलर से करेंगे, पत्ता भी बनाएंगे और अब पहले से पत्ता के स्केचिंग बना लें, हम डायरेक्ट बना रहे हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, जो उसका मूल रहता है मेन,
और ये हम हल्का सा रेड कलर से आउट टचिंग कर दे रहे हैं, पीलापन कुछ ज़्यादा है इसीलिए हल्का सा उसी में हम मिक्स करके हल्का सा रेड को और हल्का सा पीला को छोड़ दे रहे हैं, जिससे हमको लाइट कलर भी मिल जाएगा। यह एप्पल हमारा तैयार हो चुका है, ये कटा वाला को भी कर देते हैं। थोड़ा सा इसका परछाई नीचे ज़मीन का सतह भी हम बनाएंगे, जिससे खूबसूरत लगे। तो हम थोड़ा सा पीलापन लेते हैं सेब का हल्का ही, इससे कुछ अलग भी वाइट से लगे और पीलापन जैसे हल्का दिखता भी है। यह नीचे का बेस तैयार किया जा रहा है जमीन रूपी। आप भी इसी तरह से करें, धीरे धीरे शेडिंग करते हुए वाइट में मिला दें, अलग से डार्क डार्क का उपयोग ना करें, हल्का ही कलर का उपयोग करें। यह हम परछाई डाल रहे हैं, एक साइड से ही डाल रहे हैं, जिस तरह से हम स्वर व्यंजन में डाले थे उसी तरह से हम ए को भी कर रहे हैं, ए फॉर एप्पल को। ये हमारा ए का स्केचिंग तैयार है, हम अब स्केचिंग करेंगे शेडिंग का। आप ब्रश का उपयोग करेंगे, पतला ब्रश का उपयोग करेंगे, ब्लैक कलर का उपयोग करेंगे, कत्था कलर का, कोई भी आप ब्राउन कलर का उपयोग कर सकते हैं। कोशिश करेंगे ब्लैक ही लें, अब धीरे धीरे ही चलाएं, हमसे थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, आप धीरे धीरे चलाएंगे तो नहीं होगा। हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा करके सीधा कर देते हैं, अब धीरे धीरे ही चलाएं। गिल्ला की वजह से थोड़ा सा इधर उधर भागता है, थोड़ा सूखने दें। सूखने के बाद ही हम स्केचिंग इसमें प्रारंभ करें। थोड़ा थोड़ा मैचिंग एक ठो को गाढ़ा कर दिए हैं, तो हम धीरे धीरे सभी को एक रूप ही कर देते हैं, जिससे हमारा लेटर अच्छा लगे। फिलहाल अब कोशिश करेंगे एक बार ही हम कलर मारें, एक ही लाकर करें, पतला, ज़्यादा पतला भी नहीं। हम जो चित्र बनाए हैं उसमें भी हल्का फुल्का शेडिंग कर देंगे बाद में ब्लैक कलर से, 3D के जैसा ही अनुभव हो। और भी इसके हम शेडिंग करके इसको और ओरिजिनलिटी दे सकते हैं, लेकिन हम एक आधार बता रहे हैं। हम आगे चल के आपको स्केचिंग पेंटिंग फाइन सिखाएंगे। ये हमारा ऐसे एप्पल तैयार हो गया है, धन्यवाद।